नमस्ते। पहली बार इस ऑडिटोरियम में कुछ गाया जाएगा तो मैंने सोचा कि एक शिवजी के भजन से, ताकि यहाँ पे अच्छी अच्छी वाइब्रेशन आए। सर इजाज़त, वॉइस पढ़ेंगे थोड़ी सी हेडफोन में। ट्रैक जाने
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. हमारी पारिवारिक जो इतनी लंबी जर्नी चली है और मुझे इतनी खुशी है ये देख के, क्योंकि आपका परिवार हमेशा से आर्ट में, कल्चर में हमेशा जुड़ा रहा है. और इस जगह पे इतना अच्छा ऑडिटोरियम देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं इसी स्टेज का ही प्राणी हूँ. सो मैं चाहूँगा कि एक बार आप जोरदार ताली बजाएं. स्मिता जी, आइए स्टेज पर. आप प्लीज़ कम ऑन द स्टेज. सो डू द नीडफुल. नमस्कार. थैंक यू सो मच सोनू जी. शिव जी की प्रार्थना और आपकी आवाज़, उससे ज़्यादा हमारे लिए और क्या सुनहरा मौका हो सकता है. आपका और हमारा, मेरे परिवार का साथ काफ़ी सालों से रहा है और आपने हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है और मेरे हर कार्य में आपने हमेशा साथ दिया है. उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी. शुक्रिया. आज की शाम मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं. मेरे ससुर श्री बाला साहेब ठाकरे जी, उनका सपना था और मुक्ति फाउंडेशन केवल उन्हीं के प्रोत्साहित करने से उसकी स्थापना हुई है. उन्होंने मुझे कहा था कि क्या करना चाहती हो, तो मैंने कहा कि समाज सेवा में मेरी रुचि है. तो उन्होंने कहा कि मुक्त हस्त लोगों की सेवा करो और फाउंडेशन शुरू करो, नाम भी उसका मुक्ति रख दो. बस उसी दिन से हमने मुक्ति की का सफ़र शुरू किया है. और ये लोगों जो आप देख रहे हैं, वो भी उन्होंने अपने हाथों से उसको निकाल के मुझे दिया है. आज मैं उनको बहुत बहुत मिस करती हूँ. मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं हमें आशीर्वाद देते हैं, ऊपर से हमको आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. उन्होंने हमेशा कला की कदर की है और आप सभी जानते हैं कि वो पहले, सबसे पहले वो कलाकार थे. और कलाकार उनके अंदर का कभी मरा नहीं, वो हमेशा जीवित रहा है. और उन्होंने हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों की मदद की है और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हमारे पास आते जाते रहते थे. उनके साथ सिर्फ वक्त भी बहुत अच्छा बिताते थे, उनको मज़ा आता था, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे. और उनके हृदय में एक ऐसा इंसान बैठा था और बैठा मैं था बोलने के लिए, मेरे लिए मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, पर वो जो शख्स वो हमारे सबके दिल में बैठे हैं और हमारे पूरे इंडस्ट्री के बादशाह है. और केवल साहब की वजह से मैं उनको बहुत नज़दीक से जान पाई हूँ, पहचान पाई हूँ. उन्होंने मेरे फाउंडेशन को या मुझे या मेरे परिवार को हमेशा मन से साथ दिया है. हमने जब भी उनको कहा, जिस फंक्शन में हमने कहा कि हम ये करना चाहते हैं, उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया है. और मेरी कॉन्सर्ट्स हो या मेरे मेरे टीवी शोज़ हो, जो टीवी शो सोनू जी ने होस्ट किया था, उसके लिए भी अमित जी उसका एक हिस्सा थे. फिर मेरी डॉक्यूमेंट्री जो एड्स अवेयरनेस के लिए हमने की थी, उनका भी हिस्सा अमित जी रहे हैं. फिर उन्होंने और सोनू जी ने मिलके एक गाना भी किया था और मैं, मेरे बच्चे और उन्होंने गाया था, सोनू जी ने कंपोज किया था.
तो बहुत लंबी जर्नी में ऐसी बहुत सारी यादें हैं और जो कभी मैं भूलूंगी नहीं. ये एक एक व्यक्ति जो मेरे साथ जुड़े हैं वो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहेंगे, इसकी इसका मुझे पूरा यकीन है. शामक जी यहाँ बैठे हैं, शामक भी बहुत लंबी जर्नी से मेरे साथ देते आए हैं और आज भी साथ देते आ रहे हैं. तो ऐसे शख्स जो ना कि मेरे फाउंडेशन को उन्होंने सपोर्ट किया है, पर उनके दिल में जो दया की भावना बाकी पीड़ित जनता के लिए, पीड़ित समाज के लिए भी है, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और बहुत सारे एनजीओस के साथ वो भी जुड़े हैं. शायद खुद कभी को वो कहेंगे नहीं कि उन्होंने कितनी एनजीओस को उनके साथ काम किया है. उन्होंने बहुत सारे फार्मर्स की फैमिलीज को सराहा है, फिर उन्होंने सीआरपीएफ के फैमिलीज को फंडिंग दी है, फिर गर्ल चाइल्ड के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है. तो अनगिनत काम जो काम है, शायद यहाँ मुझे पढ़ने को नहीं हो रहा, मुझे इतने जहन में रहे नहीं, बट मैं यही कहना चाहूँगी इन शॉर्ट कि इनका दिल उन सभी व्यक्तियों के साथ है, वो सभी लोगों के साथ है और वो अपना जो भी हिस्सा अपने हिसाब से उन व्यक्तियों के लिए, जो पीड़ित व्यक्ति है या पीड़ित लोग हैं उनके लिए करना चाहते हैं वो हमेशा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे. मेरे लिए उनके लिए और भी शब्द नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी व्यक्ति है. मैं उनको बुलाना चाहूँगी हमारे इंडस्ट्री के बादशाह और मैं उनको नतमस्तक करती हूँ और स्टेज पे यहाँ मेरे प्रोग्राम के लिए MCH का ओपनिंग करने के लिए, मुक्ति कल्चरल हब का ओपनिंग करने के लिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ. अमित जी को दरख्वास्त करूंगी कि आपके ब्लेसिंग्स के दो शब्द हमें दे दीजिए. थैंक यू. नमस्कार स्मिता जी, आप कहाँ जा रही हैं? यहीं रहिए हमारे साथ. स्मिता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया आज के इस उद्घाटन के लिए. स्मिता जी जिस परिवार से हैं उस परिवार के साथ मेरा पारिवारिक संबंध रहा है और बहुत ही अरसे से बाला साहब के साथ, उनके परिवार के साथ, हम सब एक साथ मिल करके एक परिवार की तरह रहे हैं. जया और मेरा जब विवाह हुआ तो बाला साहब ने मुझे बुलाया, कहा तुमने विवाह कर लिया है, अपनी पत्नी को लेकर के आओ. तो मैं उनके घर गया और आई ने जिस तरह जया का स्वागत किया अपने घर में, वो ऐसे लगा कि उनकी बहू घर में आई है. और तब से हमारा पारिवारिक संबंध बना रहा बाला साहब के साथ. उनका स्नेह, उनका आदर, उनका प्यार, उनकी देखरेख, जब भी कोई ऐसी घड़ी हो जब हमें उनसे थोड़ी सी प्रेरणा लेनी हो, हम पहुंच जाते थे और वो हमारा हाथ पकड़कर हमें एक मार्गदर्शन देते थे. स्मिता जी के साथ जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये मुक्ति फाउंडेशन की जो उद्घाटन है उसके शायद पहले कार्यक्रम से
स्मिता जी ने मुझे आमंत्रित किया और हमेशा मैं इनके साथ रहा हूँ। न केवल इसलिए कि जितने भी कार्यक्रम इन्होंने किए वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे समाज के लिए, देश के लिए, लेकिन मेरी नज़र में स्मिता जी एक महिला हैं और नारी शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण आज हमारे सामने यहाँ पर है। अकेले एक महिला ने इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी व्यवस्था आप सबके लिए तैयार कर दी है और करती रही है, ये अपने आप में एक बहुत ही नेक काम है और जैसा कि हमने कहा कि बहुत बढ़िया उदाहरण है, इसीलिए मैं इनके साथ हमेशा जुड़ता रहता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आज के लिए। और सोनू, जैसे आप कह रहे थे कि कितनी आवश्यकता है हमारे इस शहर में स्टेज के लिए, ऑडिटोरियम के लिए, अभी कुछ महीने पहले मैं यहाँ पर आया था रिहर्सल करने और बाद में मुझे पता चला कि ये आपका रिहर्सल हॉल है। बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमको रिहर्सल करने के लिए नहीं मिलता और आजकल तो नृत्य के लिए काफ़ी रिहर्सल होना पड़ता है, तो ऐसे हॉल पैदा करना, ऐसे थिएटर्स पैदा करना जहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम हो सकें, ये बहुत ही सराहनीय काम है। स्मिता जी, मेरी शुभकामनाएं आपको, इसी तरह आपने एक काम आगे भी करते जाइए और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। Thank you so much, sir. Thank you. It is a privilege to have you here with us. There's a small token of gratitude that we would like to share with you. Thank you so much for your support, for the belief that you have had in us. You are actually the true sense of strength that we can perceive, and we want to preserve this for our entire lifetime. Thank you so much, sir. And we are actually very honored to have you with us today. Thank you for taking out your precious time and being here. That is so sweet. Very nice. A small token of love for your family. ऐसे ही सोच रहा था, पता नहीं आप लोगों ने जो मुक्ति का जो सिंबल है सही तरीके से देखा है कि नहीं। ये जो चिड़िया के पर हैं उसमें मुक्ति लिखा है। करेक्ट करेक्ट, ही इज एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बाला साहब की देन है। बस सर, मैंने आज थोड़ी सी गुस्ताखी की है आपकी एक कविता बोलने के लिए, अगर वो कविता अगर आप सुना सकें, जिस जो मैंने थोड़ी अधूरी, आप ही ने कही है, किसी और की है, बट वर्ड्स आपके रहे हैं। और आई थिंक फिल्म के थे, भूल गए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार कहना चाहूंगी, क्योंकि आज मेरे लिए जो इतना महत्वपूर्ण दिन है, और मुक्ति फाउंडेशन जो मैंने बहुत सालों पहले शुरू की थी, फिर मुक्ति फाउंडेशन के तहत मैंने मुक्ति कल्चरल हब की स्थापना की है, और इस एरिया में, मीन्स अंधेरी साइड में, ये साइड में कहीं भी ऐसा हब नहीं है या इस टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसे कई कलाकारों ने हमको कहा। तो मेरा और मेरे बेटों का पैशन है आर्ट के प्रति, और हमने इस पे पूरी मेहनत डाल के मुक्ति कल्चरल हब को हमने यहाँ क्रिएट किया है, जिसमें ऑडिटोरियम तो है ही जो 350 सीट की है, जिसमें आप आर्ट दिखा सकते हो, प्ले थिएटर दिखा सकते हो या कॉन्फ्रेंस के लिए हो सकता है। हमने यहाँ दो डांस स्टूडियोज़ में, एक तो डांस स्टूडियो है जो हाउस ऑफ डांस मैंने शुरुआत की है, जो एक साल हो गया जिसको हमने शुरुआत की है, और एक हॉल है जिसमें प्रैक्टिस के लिए या डांस की परफॉर्मेंस के लिए कई सारी फिल्मी पर्सनालिटीज़ या लोग यहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं, और एक आर्ट गैलरी हमने शुरू की। तो कोशिश यही रही है कि हम आर्ट को बढ़ावा दें और लोगों को यहाँ आकर्षित करें कि आप एक ही रूफ के अंडर हम आपको वो सब देना चाहते हैं जो एक आर्ट को जो
प्यार करता है, एक जो कलाकार होता है उसको यहाँ आके खुशी होगी. तो बस यही उद्देश्य से हमने ये प्रेमाइसिस को बड़ा किया है. और मैं यही कोशिश करूँगी कि जो भी यहाँ आए और उनको खुशी मिले. और बस आप सभी का प्यार और प्रार्थना करती हूँ, मेरे माता पिता का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहे. और मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी. मुक्ति फाउंडेशन का काम तो चल ही रहा है, पर ये जो आर्ट के प्रति हमने शुरुआत की है उसको भी हमें उतनी ही कामयाबी मिले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ. नहीं, अमित जी हमारे लिए, मेरे लिए बहुत ही एक अहम इंसान है, जो हमारे मेरे हर काम में उन्होंने मुझे साथ दिया है. तो उन्होंने सिर्फ यही कहा, क्योंकि हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है और सिर्फ जब भी कहीं मिलते हैं तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि अरे आपने ये भी किया, आपने ये भी कर रही हो. तो मेरे ख्याल से उनका जो एक सेंटेंस होता है वो मेरे लिए एक उत्स्फूर्त का स्थान होता है. और मैं उनको बहुत ही उनके सपोर्ट को मैं चाहती हूँ हमेशा, और वो मिलता आ रहा है. साहब के तो नज़दीक थे ही वो, और उन्होंने हमेशा यही कायम रखा है कि जो भी हमारे परिवार के साथ हम करना चाहते हैं तो उन्होंने हमारा साथ दिया है. वो उनको ये पेंटिंग्स तो बहुत पसंद आई, क्योंकि ये बहुत रेयर पेंटिंग्स जो हमने किसी को कह के एक बनवाई है. तो मेरा उद्देश्य यही है कि साहब हम उनकी कृपा दृष्टि यहाँ मेरे प्रमाइसिस में रहे, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ. और अमित जी के हाथों इसका उद्घाटन हो, यही मेरी आशा थी और मेरी पूरी हो गई. अभी मेरे दोनों बेटों ने कला का रास्ता ही चुना है और मैं खुद तो कला की प्रेमी हूँ. तो बड़े बेटे ने, राहुल ठाकरे ने, डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग चुना है, और छोटे ने अपना पैशन एक्टिंग के प्रति. तो एक्चुअली उसने अपने मेहनत से जो भी वो सीखा है उसको मैं हमेशा सपोर्ट देते हूँ. जो भी उसको करना चाहता है या जो भी मेरे दोनों बेटे करना चाहते हैं उनको हमेशा मैंने कहा है कि आप अपने दिल की सुनो, ज़रूरी नहीं है कि लोग क्या कहते हैं. और बस अपने पैशन से करते रहो, कामयाबी तो अपने आप मिलेगी. अगर आप प्यार से काम करोगे, उस कला को उतने ही प्यार से सराहोगे, तो मेरे ख्याल से मैं यही कोशिश करती हूँ उनको सीख देने की. और ऊपर वाला चाहे तो उनको भी बहुत कामयाब, एक पहले तो कामयाब इंसान बनाए और कामयाब नेता और डायरेक्टर बनाए. मुक्ति फाउंडेशन तो एक सामाजिक कार्य करती हूँ, और राहुल प्रोडक्शन के अंदर मैं फिल्में बनाती हूँ और टीवी के वेब सीरीज़ बनाती हूँ और टीवी शोज़ बनाती हूँ. बट छोटे का कहना ये है कि शायद उसकी कला देख के कोई और उसको प्रमोट करे, या कोई और उनके गाइडेंस के अंडर अगर वो अपना पहला पदार्पण करे तो वो ज़्यादा उसकी इच्छा वो है. तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे. ये की तरह जगमगाता ही सही, पर एक शीशे की तरह नाजुक, कमजोर और नकली. पर मैं होता ही कौन हूं आपको इस सफर पर ले जाने वाला? ऑनेस्टली कोई नहीं, सिर्फ एक राइटर, एक लेखक जिस पर लोग जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए. अब चाहे खद्दर झोले वाला राइटर हो या फिर न्यू एज एयरपॉड्स एंड ब्लैक कॉफी वाला राइटर हो, एक समस्या तो दोनों के साथ ही होती है, कॉन्स्टिपेशन. नहीं, मैं आपको पीकू की कहानी नहीं सुना रहा. हमारी राइटर्स की भाषा में इसको कहते हैं राइटर्स ब्लॉक. तो मेरी इस समस्या की शुरुआत तब हुई जब मेरे पब्लिशर ने मुझसे कहा कि तुम एक ऐसी किताब लिखो जिस पर एक सुपरहिट फिल्म बनाई जा सकती है. तो फिर उसने कहा कि राइट दिस स्टोरी अबाउट दिस फिल्म स्टार कार्तिक कपूर. उसने कहा कि हिज लाइफ इज मोर फिक्शन देन फैक्ट. ही वॉज unbelievably rich, unbelievably famous. He was at the pinnacle of his unbelievably successful career. Aur ek din, ghayab ho gaya. Gone. Disappeared from the face of this earth. To maine kaha, yaar, aisi kahani to sirf ek lekhak ke liye sapne ki tarah hi hai. You know, ab baagi kalakar, controversial, khoye insaan ki khoj. But kaash,
उसे लिखना उतना ही आसान होता। What is your style number? Kar kya dial number? Ho ga fir anna jana? De de koi easy number. Kahan se tu aata hai darling? Kahan se tu jata hai? Aake jaake aise kyun dekho kar paata hai? Hi. What is mobile number? What is your style number? What is your style number? Kar kya dial number? समय तू यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। आज मैंने तेरा कर्ज पूरा कर दिया मां, मैं जा रहा हूं मां, मैं जा रहा हूं। मुंबई वासियों के लिए और हम सब के लिए एक बहुत ख़ास तौर पे फ़नकारों के लिए, कलाकारों के लिए एक बहुत ही अहम दिन है। बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे मुंबई शहर में एक ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया जहां मुंबई मुक्ति कल्चरल हब की स्थापना हुई। एज एन एक्टर जब भी मैं स्टेज पे जाता तो बड़ी कमी महसूस होती थी कि बहुत सारे कम ऑडिटोरियम मिलते थे परफॉर्म करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जैसे डांस है, पेंटिंग है, एग्जीबिशंस है, लोग करना चाहते हैं, एग्जिबिट करना चाहते हैं, लेकिन ऑडिटोरियम की सख्त कमी थी। और एक आध ऑडिटोरियम को छोड़ के ऐसा कोई स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम नहीं था जहां परफॉर्म करके आपको गर्व महसूस होगा। जब हम बाहर जाते हैं देश के तो देखते हैं कि बड़े खूबसूरत ऑडिटोरियम्स रहते हैं। हम वापस आके सोचते हैं काश हमारे शहर में भी, हमारे देश में भी ऐसा ऑडिटोरियम होता, चूँकि मुंबई अपने आप में एक कल्चरल हब है, उस हब के अंदर एक और हब, कल्चरल हब। तो बहुत बड़ी बात है, इसके लिए ढेरों बधाई के पात्र हैं श्रीमती स्मिता ठाकरे जी, जिन्होंने इतने खूबसूरत एक हब की एक कल्पना की है जहां बहुत सारे आर्टिस्ट तरह तरह के अलग अलग फील्ड से, मुख्तलिफ फील्ड से यहां आ सकेंगे और अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकेंगे। जी जी, देर आए दुरुस्त आए वो कहते हैं, इट्स नेवर टू लेट। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि ऐसा कुछ हो, और बल्कि ऐसा एक नहीं कई ऐसे हब्स की हमें ज़रूरत है। ये सबर्ब्स में है, कुछ टाउन में, कुछ मिड टाउन में, ये बहुत ज़रूरत है। तो लेकिन वही मैंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, नहीं आने से तो बेहतर है कि हम आए भले ही देर से आए। और ये एक कदम है, आई थिंक इसको देख के और भी बहुत सारे लोग इस प्रवाह से, इस प्रयास से जुड़ेंगे और इससे कलाकारों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। I'd like to wish Smita ji all the very best for the launch of her cultural hub. She's a very dear friend and I've seen the amount of effort she's put behind this. And I really want to wish her all the very best.
उससे उनको इनकरेजमेंट मिलेगी और हम उसमें और इनकरेजमेंट मिलेगी थिएटर आर्टिस्ट को और हम देखेंगे कि और प्लेज नवे प्लेज आएंगे, नवी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो बहुत अच्छा है और बहुत नेसेसरी है आज के टाइम में। स्मिता जी और मैं बहुत सालों से दोस्त हैं और वो बहुत ही डिफरेंट काइंड की लेडी हैं। वो कुछ ठान लेती हैं तो वो कर दिखाती हैं और वो बहुत मेहनत करती हैं हर चीज़ के पीछे, परफेक्शनिस्ट हैं और बहुत ही साफ दिल की और अच्छी औरत हैं। तो बहुत अच्छी है और गहरी हमारी फ्रेंडशिप है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टू सपोर्ट हर। आई एम एक्साइटेड, आज इनॉग्रेशन ऑफ मुक्ति कल्चर हब है एंड इट्स अ डांस फाउंडेशन, सो एक्साइटेड बिकॉज स्मिता जी इज़ हेडिंग दिस होल थिंग एंड टू सी how it takes shape. Andheri needed this place, so abhi mujhe totally malum nahi hai kya kya details hai, yeah, so which I'll get to know and I'm looking forward to it. I think any institute like this jahan pe ye training possibilities hai is always space a blessing for newcomers, कि एक स्पेस है जहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिले, बिकॉज वैसे तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट्स है हर जगह है, लेकिन जो सही तरह सही ट्रेनिंग मिले सही गाइडेंस मिले वैसे बहुत सारा जगह नहीं है। बट दिस इज़ ए इनिशिएटिव विद स्मिता जी एंड अनुपम खेर, सो आई एम श्योर इट विल हैव मच मोर ऑफ लेजिटिमेसी। स्मिता जी इनकी फैमिली तो मेरी फैमिली जैसी है, बहुत सालों से हम और बच्चों को बड़े होते देखा लिटरली हम लोगों ने, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस जगह पे इतना अच्छा मैं भी देख रहा है। इनफैक्ट मैं आज पहली बार इस बिल्डिंग में आया हूँ, हालांकि इतने टाइम से थे यहाँ पे, बट ये ऑडिटोरियम बना है यहाँ पे बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी हाई टेक किस्म का है और इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी जो कल्चरल समारोह होंगे, चाहे वो प्लेज हों, चाहे वो शोज़ हों, चाहे वो फंक्शंस हों या कोई मीटिंग्स हों, उस वजह से इस एरिया में इतना अच्छा हॉल था नहीं तो अब बनाए तो अच्छा। क्या है कि अगर प्लेटफॉर्म नहीं होता कहीं पर ना, तो फिर आदमी कहाँ, जब कल्चरल कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं तो प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें अगर अच्छी कोई जगह हो, अच्छा ऑडिटोरियम हो, तो नेचुरली और अच्छा होता है। बस कमाल की बात है यार, थिएटर रंगमंच वाला आदमी हूँ मैं और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पृथ्वी थिएटर के बाद एक कोई थिएटर चाहिए था और वो ये थिएटर बन रहा, बहुत अच्छा खूबसूरत थिएटर है और मैंने देखा है उसका स्टेज और सिटिंग अरेंजमेंट। नाटक जिसका समा बनना चाहिए, जिसके लिए एक थिएटर अच्छा होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से सब कुछ सारी सुविधाएं इसमें हैं, शायद हम कह सकते हैं कि A+ 5-7 स्टार है। आई होप नाउ ऑडियंस वी गेट इट। देखो उसको तो वक्त लगता है, पर इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि रंगकर्मी यहाँ आकर परफॉर्म करना चाहेगा और ऑडियंस बहुत खुश होगी। यहाँ बहुत अच्छे नाटक, मुझे लगता है जैसे कि एक इम्पैक्ट होता है, जैसे पृथ्वी का अपना एक डिज़ाइन का मज़ा है कि वहाँ आप बैठते हो तो ऐसा इनफॉर्मल फील आता है, तो इसका अपना फील होगा। वील हैव टू सी दैट व्हाट हैपेंस, बट डेफिनेटली आई वुड से दैट दिस विल डेफिनेटली अट्रैक्ट मी एज वेल द ऑडियंस। Myself is Rekha Chaudhary, I am the wellness ambassador for India और मैं यहाँ पे मेरे close friend स्मिता ठाकरे के लिए आई हूँ। उनका जो अलग सा ड्रीम था आर्ट और कल्चर के लिए, इट्स अ यूनिक मिक्सचर ऑफ द आर्ट एंड कल्चर, उसके आज जो ओपनिंग के लिए मैं यहाँ पे हूँ और आई एम रियली प्राउड ऑफ हर एंड हर वर्क। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट शी विल डू बेस्ट फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। शी हैज़ बीन ऑलवेज सपोर्टिंग एंड ऑलवेज willing to do something different in the art and culture, and she has been always working with the film industry, so this best place what she has, unique way she has designed and presenting for the upcoming artist and of course the culture what she wants to develop in the film industry in different way. I feel this is the right place for everyone and I am very much sure this place will be rocking in the film industry as well as for the culture and art. Thank you. बहुत कमी है इसकी और
और बहुत अच्छी बात है कि नई नई चीज़ें खुल रही हैं और स्मिता ने ये सोचा है और हम लोग को दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मोर देन एक्साइटमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट फॉर द मुक्ति क्लब। आई थिंक बॉम्बे जहाँ ऐसा लगता है कि एक छोटा सा मैच बॉक्स बनता जा रहा है, उसमें जब ऐसी फैसिलिटीज ऐसी जगह आती है तो एक ब्रीदिंग मिलती है। तो माय हार्टफेल्ट विशेस टू स्मिता जी एंड फॉर अ ग्रेट एफर्ट इन पुटिंग दिस टुगेदर। एंड माय बेस्ट विशेस एंड स्पेशली स्मिता जींसाठी, कारण आई फील यू नो ब्रिंगिंग एवरीथिंग अंडर वन रूफ एंड इन प्लेस लाइक मुंबई विच इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, getting like music, dance, cultural, everything under one roof. I think it's going to do very well. And her a beautiful side of Smita ji, who has always been into social activities like the AIDS Foundation and now this. All my best wishes to Mukti and Smita ji. Actors all over India hi nahi, mujhe lagta hai all over the world ke liye ek acha platform hai ye, under one roof hai. और स्मिता जी का जो कनेक्शन है डायरेक्टली मीडिया के साथ एंड ऑल, सो ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग जगहों में जाके अलग अलग यू नो एक्टिविटीज़ करने हैं, तो सब कुछ अंडर वन रूफ है। मुझे लगता है कि सभी एक्टर्स के लिए एक बहुत बेनिफिशियरी प्लेटफॉर्म है ये। सबसे पहली बात, आई थिंक वी कैन नेवर हैव इनफ ऑफ सच प्लेसेस, बिकॉज एज एन एक्टर यू फील सो गुड। आई पर्सनली डन लॉट ऑफ थिएटर बैक इन स्कूल एंड कॉलेज, सो इट्स ऑलवेज रियली नाइस जब ऐसी यू नो जगहें बनती हैं। लाइक वी आर बिग फैंस ऑफ व्हेन वी गो एंड आई वॉच प्लेज एट पृथ्वी थिएटर, सो इट्स गुड दैट अंधेरी हैज़ इट्स ओन प्लेस नाउ एंड इट्स लाइक इट हैज़ अ डांसिंग दिस थिंग ऑल्सो विद इट, सो आई थिंक इट्स रियली गुड एज एन एक्टर, यू गेट अ लाइक अ कम्प्लीट पैकेज हियर, सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। जी बिल्कुल, मैंने कल जगह देखी थी, बहुत ही कमाल की जगह खोली, और जैसे पंकुरी ने कहा अभी कि अंधेरी में ऐसी कोई जगह नहीं थी, आस पास कुछ नहीं था, तो जो भी इस तरफ रहते हैं लोग, मैं कह रहा हूँ गोरेगा मलाड कानी गुरु बोरे, यहाँ पे एक एक्सेलेंट जगह खुल गई है, एक एक्सेलेंट ऑडी खुल गया है जहाँ पे आप प्लेस भी देख सकते हैं, यहाँ कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती हैं, डांस प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। सो बहुत अच्छी जगह खुली है, वी आर रियली हैप्पी फॉर दैट। जो परफॉर्म करते हैं उनके लिए तो कमाल की जगह होती है। मैं थिएटर करने जा रहा हूँ, एक प्ले करने जा रहा हूँ, सो हम जैसों के लिए तो बहुत अच्छी जगह हो जाती है, परफॉर्म करने के लिए एक और जगह मिल जाती है, ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने की जगह मिल जाती है। सबसे पहले हम स्मिता जी को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि इतने मेहनत से यहाँ पर एक इतना कमाल का जो मुक्ति कल्चरल हॉल खुला है, और अमिताभ बच्चन ने आज ओपनिंग की है, अमिताभ बच्चन जी ने, और बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसी चीज़ जो एक्चुअली यहाँ पर खुली है बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया में कोई ऑडिटोरियम नहीं है, जैसे हम देख रहे हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, फर्स्ट फ्लोर पे आर्ट गैलरी है, सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे ऑडिटोरियम बना है, 400 लोग बैठ सकते हैं, और ऊपर इतना बड़ा रिहर्सल हॉल है, क्योंकि अब म्यूज़िक का ज़माना है, आर्ट्स कल्चर का ज़माना है, इतने म्यूज़िकल्स हो रहे हैं, तो ऐसी चीज़ ये एरिया में बहुत ज़रूरी थी। और I'm thanking Smita ji for supporting this cause and working relentlessly towards it. So, wishing her all the best. As a fellow woman entrepreneur and a very, very dear friend, I would love to wish Smita ji all the very best in this venture of hers. She started something magnificent this side of town, and actually, South Mumbai Nariman Point was considered the hub for theatre and theatre lovers. I'm glad that she's taken the initiative to start Mukti Cultural Center this side of Mumbai. So theatre lovers and we theatre enthusiasts and actors, we get to showcase our acting skills and performances and musicals even this side. So congratulations and all the very best. Thank you. Gay! आता मी कोण झालोय? आता तू झालायस भिकारी, राजा भिकारी, खाली उतर। हा तर हा रस्ता आहे आणि यावर तू भीक मागतोयस। भीक मागतोय हा, म्हणजे
दस रुपया दो तुम्हें दस लाख मिलेगा असं तू इकडे ओरडतोस हे कसं करायचं हे दस रुपया दो तुम्हें दस लाख मिलेगा हे नाही केलं तर नाही मिळणार का भीक करू नका मी का म्हणतोय दस हे एकदम दस जरा जास्त नाही का होत आहेत म्हणजे आपण एक दोन रुपयांनी सुरुवात केली तर नाही नाही सर लोक देणार 10 रुपये देणार का हो तुम्ही इंग्लिश मध्ये बोलायचं फटाफट अशा ब्रेकिंग न्यूज सांगायचं ब्रेकिंग न्यूज सांगायचं तुमच्या केमिस्ट्री मधलं एखादं इक्वेशन हा तुमचं एज्युकेशन बघून ते लोक तुमच्या दारिद्र्याची किंमत वाढवतील हा आणि सर कसं आहे माहितीये का एकदा का आपला रेट वाढला की मग कामगारांवर व्यावसायिकांवर प्रोफेशनल्सवर अगदी शेअर मार्केटवर सुद्धा बदल आढळतो सो टेक बेगिंग सिरियसली कॅन आय स्टार्ट कॅन आय स्टार्ट आय एम रिअली एक्साइटेड हे गिव्ह मी 10 रुपीज अँड आय विल गिव्ह यू 100 रुपीज आय हो मी कसे देणार नाही का बरोबर आहे पण जरा एक्साइट झालो मी मला कळतच नाहीये नेमका गॉड आणि माझ्यात आता फरक काय भिकारी झाल्यापासून नाही ना सर एक काम करूया अशी मजा नाही येत आहे मी तुम्हाला साथ संगत देतो म्हणजे कशी हे आपली पारंपरिक भीक मागायची पद्धत अच्छा हार्मोनियम सकट अहो भाता उघडा मग मग वाजणारच नाही का चल आपण आता सुरू करूया या गिव्ह मी 10 रुपीज अँड ऑल माइटी विल गिव्ह यू 100 रुपीज मजा नाही एक काम करू आपण वाद्य बदलू ना म्हणजे हा अरे खूप वाद्य आहेत आपल्याकडे फिरता ऑर्केस्ट्रा आहे बरं यस यस दिस इज स्पेशल इलेक्ट्रिक गिटार फॉर यू जरा कमी करा ऍक्टिंग ते निकाला तिकडनं कॉर्ड लाईक दॅट हळूच लावा येस गिव्ह मी अ ठेना गिव्ह मी अ ठेना अँड गॉड शॅल मेक यू अ मिलियनर यो मॅन यू आर यो भिकारी यो भिकारी नॉट राजा भिकारी यो भिकारी गिव्ह मी अ ठेना And God shall make you a millionaire. Sir, पण जे ऑलरेडी मिलियनियर आहेत त्यांचं काय आय हॅव अ सजेशन टू मेक जे ऑलरेडी मिलियनर आहेत दे शुड शेअर ऑल देअर मिलियन्स अमॉंग द नीडी वन्स अँड गिव्ह गॉड वन मोर चान्स टू मेक देम अगेन अ मिलियनर वा 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 गिव्ह मी अ टेना And God shall make you a millionaire. Millionaire, Tena. Yeah. And God shall make you a millionaire. Millionaire. Sayya, tu hai. तेरे नाम में खो जाऊं सही